गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है उदिशा मिश्रा और आप सभी के लिए यहां पर मैं लेकर के आप लोगों का पेपर नंबर 5 आपके 10 दिन 10 पेपर सीरीज में वापस आ चुकी हूं। जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर बहुत ही सब्र के साथ हमारा इंतज़ार कर रहे थे, सबसे पहले तो उन लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत पेशेंट हैं एंड आई थिंक लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन इज सब्र। सब्र रखिए, अपने वक्त पर, अपने समय पर आपको हर चीज़ मिलेगी। जितने भी जने हैं जो मुझे रेगुलरली देखते हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। आई होप माय सेशंस आर बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। इफ़ यू हैव एनी फीडबैक्स, इफ़ यू हैव एनी कंप्लेंस, इफ़ यू हैव एनी ओपिनियंस अबाउट इट, फील फ्री टू शेयर। ओपिनियंस हैव टू बी सेंसिबल ऑफ कोर्स, ओपिनियंस तो बहुत सारे होते हैं। खैर, नाउ बढ़ते हैं आगे दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आती है, डबल वैलिडिटी सिर्फ आज भर के लिए आई हुई है और आप लोगों के लिए अड्डा 24/7 की ऐप पर और अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको कोड यूज़ करना होगा Y169। फ़ायदा उठाने के लिए, इसका फ़ायदा लेने के लिए आपको कोड लगाना होगा Y169। आप परचेज करेंगे बैंक महापैक, आपको मिलेगा 78% ऐप पर, 77% आपकी वेबसाइट पर, साथ ही साथ DV यानी कि डबल वैलिडिटी। विदाउट मच डिले मूविंग ऑन गाइज, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं आपकी मोटिवेशनल कोड। अच्छा, साथ ही याद रखिए भाई, आप लोगों को इंस्टॉल करनी है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, फ्री क्विजेज, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, क्विजेज, कंटेंट, बैचेस, हर चीज़ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिलती है विद एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग की मोटिवेशनल कोट कह रही है वॉक स्लोली बट नेवर वॉक बैकवर्ड, यानी कि धीरे चलो, उसमें मसला नहीं है, लेकिन हाँ पीछे की तरफ मत जाने लगो। कई बार ऐसा होता है ना, अगर आगे चलते आदमी को सफलता नहीं मिलती है तो वो क्या करता है कि वो वापस जाने लगता है, बैक स्टेप्स लेने लगता है, रिग्रेसिव हो जाता है अपने प्रोसेस में, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। देखो, आप धीरे चलोगे, वही कछुआ खरगोश याद कर लो यार, अगर कछुआ पहले ही हार मान लेता और पीछे को जाने लगता तो ये कहानी नहीं बन पाती। करेक्ट, समझ गए ना बात को, तो पीछे नहीं जाइए, अपनी स्पीड में मस्त चलिए लेकिन पीछे नहीं जाइए। ठीक है, यहाँ पर भाई आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं पावर हाउस परफॉर्मर्स की पूरी लिस्ट। अब तो क्योंकि धीरे धीरे पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है आप सभी का, तो सबसे पहले थैंक यू फॉर दैट। देखिए, प्रदीप यादव जी ने बहुत सारी तारीफ के साथ अपना आंसर बताया है कि इन वोग का मतलब होता है पॉपुलर, विच इज़ वेरी गुड। ही हैज़ ऑल्सो गिवन अस अ सिनोनिम। देन वी हैव रचना जांगिर, इन वोग मीन्स पॉपुलर एंड समथिंग फैशनेबल। थैंक्स फॉर गिविंग मी द रीजन टू वर्क हार्ड। इसमें हल्का सा ग्रामेटिकल एरर है, आप लोग भी आइडेंटिफाई करिए। द रीजन बोलेंगी तो जैसे लगेगा कि आपके एक ही कारण है जीवन में मेहनत करने का। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ रीजन टू वर्क हार्ड, एक कारण, तो यहाँ पर आप इसको इनडेफिनेट लगा दें। ईशा ने काफ़ी बड़ी चिट्ठी लिखी है, उन्होंने मुझे यू आर बेस्ट टीचर बोल करके डरा दिया है, क्योंकि सुपरलेटिव के सबसे पहले आपको आर्टिकल द लगाना होता है, द बेस्ट, द वर्स्ट, द फास्टेस्ट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो ये मिसिंग था, बट आप लोगों का करेक्ट आंसर बिल्कुल यहाँ पर है। सो ईशा व्लॉग्स वेरी गुड, रुद्राक्ष अवस्थी वेरी गुड जॉब, एंड he has learned a lot today and will try to improve my score in the future. Thank you. Bilkul sahi grammar, koi bhi issue nahi hai. Aage badhte hain. Atul Anand, Zain Harkirat, Nilisha Gupta, Sanket Panda, Pratima Sharma, Neha Parveen, Brij Mohan, Aniket Malhotra and Vaishnavi Kasalwar. Sare students, bahut achha pradarshan. Very, very proud of all of you. Isi tarike se seekhte rahiye aur apni knowledge ko execute karna seekhiye. So keep it up everyone. Aage dekhte hain, yahan par aap logo ka sabse pehla sawal. Kal jahan par stop kiya tha, wahin se resume karte hain. थैंक यू स्मृति, गॉड ब्लेस यू। इन अ फिक्स का क्या मतलब होता है? आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस बहुत तेजी से बताइएगा दोस्तों, आज शायद क्लास थोड़ा जल्दी खत्म होगी, लेकिन प्लीज एक बार बताइए कि इन अ फिक्स का मतलब कौन सा वाला आपको सही लग रहा है? हरी अप, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, यस,
सौम्या, जय शर्मा, क्रिएटर ट्रीना, अतुल, श्रेया, अभिषेक, शिवानी, पीयूष कुमार, वेरी गुड जॉब समनानी एंड कैप्टन साहब. इन अ फिक्स का आंसर इन अ पजलिंग स्टेट, यानी कि किसी कंफ्यूजन में, किसी मुसीबत में, किसी दुविधा में फंस जाना. यार आई एम इन अ फिक्स वेदर टू गो देयर और नॉट, मतलब मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ वहाँ जाना चाहिए या नहीं. तो वेल, यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में. आई होप यू गाइज मार्क्ड इट वेल. पिनाकी, इंद्रजीत, अक्षिता, बहुत शानदार. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हैमर आउट, हैमर आउट, टू हैमर आउट का क्या मतलब होता है, जल्दी से बताएं प्लीज. वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब. बहुत सारी हंसी खुशी दिख रही है मुझे यहां पर. वही जो आप और मैं अक्सर करते हैं, वही जो आप और मैं अक्सर करते हैं. देखिए बहुत बड़ा वर्ग है जो पता नहीं क्यों ऑप्शन नंबर ए के पीछे पड़ गया अचानक से. यहाँ पर देखिए, टू रेज अलार्म, टू टेक पार्ट, टू बी टायर्ड ऑफ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. मैं कह, टू प्लान, ओके टू प्लान भी कह रहे हैं, ठीक है. डी को भी बहुत सारे लोगों ने, तुक्के लगा रहे हैं आप लोग, कुछ लोग गूगल करने चले गए हैं जो यहाँ पर मौजूद है. एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों. वेरी गुड, अच्छा. सी आई टेल यू समथिंग, यहां पर एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं दिया है, लेकिन हैमर आउट का मतलब होता है कि इवेंचुअली बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े एटसेट्रा के बाद किसी चीज को सॉर्ट आउट कर लेना, किसी चीज को फाइनली लेट अस से अग्री कर जाना, किसी चीज के लिए सहमत हो जाना. तो यहां पर लड़ाई झगड़े के बाद अगर आप सहमति पे आते हैं तो कहीं ना कहीं प्लान उससे रिलेट कर रहा है. To take part also doesn't make much sense. See, यार वो नहीं है, प्लीज ले आ दीजिएगा, इट्स टफ ना. गिर गया कोई? ठीक है, ओके. देखो आप मानो या ना मानो, ओनली वी इज द करेक्ट आंसर. यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, एग्जैक्ट आंसर तो आपके सामने है ही नहीं. नन ऑफ दीज होता तो मैंने तो सबसे पहले छलांग मारनी थी वहां पर. बट द पॉइंट इज, हैमर आउट का मतलब क्या होता है भाई? कोई काम है, कोई पर्टिकुलर टास्क है, उसमें बहुत बहस हो रही है, बहुत वाद विवाद चल रहा है, लेकिन इवेंचुअली वहां सब कुछ सेटल करके आगे का कुछ प्रोड्यूस करने की स्थिति में आना. सो लेट अस सेटल डाउन फॉर ऑप्शन नंबर बी सो फार. हाउएवर आई ऑल्सो हैव माई शेयर ऑफ डाउट, सो आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन दिस वन मोर टाइम. ठीक है, तो इसको आप रेड करके छोड़ सकते हैं सवाल को. बढ़ते हैं आगे. यहाँ पर आप प्लस वन करना चाहते हैं इन एनी केस, तो प्लीज कर लीजिएगा बिकॉज बेनिफिट ऑफ डाउट. अच्छा, अगला सवाल आपसे कह रहा है, नीच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फोर स्टेटमेंट्स विद अ ब्लैंक इन ईच आर गिवन. यू हैव टू चूज अ वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट कैन फिल ऑल द ब्लैंक्स. बहुत सुंदर, सारे ब्लैंक्स में एक शब्द आएगा. एक शब्द यहाँ है, सेंटेंसेस यहाँ है और हम यहाँ खड़े हो गए हैं. हाँ भाई, चलिए. चलो चलो रवि, क्या करोगे उसका आईडी ढूंढ के? भाई पढ़ लो, बाद में ढूंढ लेना आईडी. तौकीर, या दैट्स प्रिटी फाइन रोहित, दैट्स प्रिटी गुड. अतिशा, एज द स्टॉर्म क्लियर्ड अ डैश फॉग केम डाउन, शी मेड हर वे थ्रू द डैश अंडरग्रोथ, शी इज वे टू डैश टू अंडरस्टैंड वॉट वी आर डूइंग. अतिशा, This modernist novel is dash as hell. जिन्होंने जल्दी करी उनके नंबर कटे, गई नैया डूब गई. As the storm cleared, आपने कहा कॉम्पैक्ट क्या होता है, कोई भी चीज जो कन्वीनियंटली पैक्ड होती है बढ़िया साइज में, जिसको आप कैरी कर सकें, दैट इज कॉम्पैक्ट फॉर अस. तो हटा देते हैं क्राउडेड, भैया भीड़ भाड़ वाला, मॉब्ड एटसेट्रा मेक्स नो सेंस, हटा देते हैं. सॉलिड का मतलब कॉन्क्रीट, यानी कि ठोस, तो उसका यहाँ पर ज्यादातर सेंटेंसेस में कोई अर्थ नहीं लग रहा है. अब आप डार्क और डेंस में कंफ्यूज हो गए, बनता है नॉवल वगैरह की जनरली थीम को डार्क बोलते हैं हम लोग. मान लिया मैंने आपकी बात को, लेकिन यार एकदम पगले हो जाते हो क्या आप लोग? शी इज वे टू डार्क, वह बहुत ज्यादा काली है टू अंडरस्टैंड वॉट वी आर डूइंग.
डेंस जब आप कहते हैं ना, दिमागी रूप से जब कोई थिक होता है, यू थिक फ्रॉम द हेड, दिमाग से मोटे हो क्या, मोटी बुद्धि, यू आर ओनली मिसिंग आउट द idiom पार्ट, idiomatic तरीके से सोचिए, जिनका भी रॉन्ग हुआ है बहुत बहुत मुबारक। आगे देखो, एज द स्टॉर्म क्लियर्ड, अ डेंस फॉग, जैसे ही आंधी तूफान बंद हुआ, एक थिक फॉग मतलब कोहरा सा नीचे आ गया। शी मेड हर वे थ्रू द डेंस अंडरग्रोथ, यानी नीचे जो भी पेड़ पौधे थे वो उसको क्रॉस करती हुई गई। तो यहाँ पर आप लोगों को डार्क अंडरग्रोथ, क्या काली अंडरग्रोथ कैसे ले आ रहे हो भाई। आगे देखो, शी इज वे टू डेंस हो गया है हमारा, दिस मॉडर्निस्ट नॉवल इज डेंस एज हेल। डेंस यहां पर क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड जिसको आप बोलते हैं, जब कोई पढ़ाई लिखाई की चीज को डेंस बोला जाता है तो वो कॉम्प्लिकेटेड, दिस इज अ वेरी डेंस प्रॉब्लम, दिस इज अ वेरी डेंस क्वेश्चन, तो उस तरीके से भी हम यूज करते हैं, है ना। तो देखो, डेंस का मतलब थिक, मोटी बुद्धि, idiomatic हो गया, डेंस एज अ प्रॉब्लम देखोगे तो वेरी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, शी मेड हर वे थ्रू द डेंस, यानी कि बहुत घना जंगल टाइप्स हो गया, एटसेट्रा। और ऐसे ही आपका जो डेंस फॉग है वो भी घने के सेंस में यूज हुआ ना। तो चलो आ जाओ जल्दी से, ई जिसने बोला है सिर्फ वो प्लस वन करेंगे, चीटिंग नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओकी डोकी, बाबूजी गुस्से में क्यों रहते हो, पूनम ने पूछा है, भैया लाइक और शेयर देख लो। हाँ हाँ चीटर्स, अमीशा वाइप्ड द डैश ऑफ हर फेस, अमित थ्रू अ हैंडफुल ऑफ डैश ऑन टू द कॉफिन, इज देयर एनी डैश ऑन केजरीवाल। ये तो आपका आंसर आपको पता चल गया भाई, गलत जवाब, गलत ही होता जा रहा है, बहुत शानदार, बहुत ही आसान सवाल में बिल्कुल मुंह के बल गिरते हुए आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों, देवियों सज्जनों। ग्राउंड को तो कह नहीं सकते, किसी के फेस पे ग्राउंड नहीं हो सकता, लेकिन क्या आपको कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त ये नहीं मिला, द CBI रिसेंटली फाउंड सम डर्ट ऑन द पॉलिटिशियन। डर्ट ऑन द पॉलिटिशियन का मतलब क्या होता है भाई, पानी के लिए बोल दोगे, एक भी बॉटल नहीं है, थैंक्स, ठीक है। डर्ट ऑन, फाइंडिंग डर्ट ऑन समवन, यानी कि कुछ काला चरित्र पता चल जाना किसी का, समझ रहे हो, किसी के बारे में कुछ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मिल जाना। idioms मत पढ़ना, नुकसान होगा, आसान आसान सवाल जब होंगे तो वहां बैठे रहना, टाइम पास करना, बहुत मुबारक आप सभी को। सॉयल भी हटाइए, ये भी हटाइए, स्मट भी हटाइए, स्मट इज मोर लाइक कीचड़ एंड ऑल, विच इज नॉट द idiom, idiom ने सॉल्व करा दिया। वी हैव टू ड्राइव अलॉन्ग अ डर्ट रोड होता है, डस्ट रोड कौन सा होता है, डर्ट रोड जो ऑफ रोडिंग करने जाते हैं लोग, जहां पर प्रॉपर डामल वाली आपकी सड़क नहीं होती है, वो डर्ट रोड होती है, जहां धूल कॉन्क्रीट एटसेट्रा पड़ा होता है लूज। बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस, बट कोई बात नहीं, आई लाइक द एफर्ट, प्लस वन सिर्फ वो लोग करेंगे जिन्होंने सी बोला था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बकल अब थोड़ा सा खींचो यार, क्या डर जाते हो आप लोग, शेयर और लाइक का क्या सीन चल रहा है, सवाल टफ तो नहीं है, अपनी मर्जी से गलती करी है, देख करके जवाब देते तो सही होता ना। सेकेंड सेंटेंस, अमित थ्रू अ हैंडफुल ऑफ डर्ट ऑन टू द कॉफिन, तो धूल फेंकी उन्होंने कॉफिन पे, ठीक है ना, डर्ट तो धूल भाई, सब पानी पानी हो गया, ठीक कोई बात नहीं, अगला सवाल देख लो प्रिंस, थोड़ा बहुत मिट्टी विट्टी भी आ जाएगा। बता दिया मैंने रुद्राक्ष आपका आंसर भाई, दिस इज वेरी इजी, ये आसान है, कोई बात नहीं स्मृति, रॉन्ग होने का अनाउंसमेंट नहीं करना है, सीखना है। वेरी वेल डन, यस, ये तो बहुत आसान है ना,
एनी हाउ, चलिए ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिस टाइम, बिल्कुल सही आप लोगों ने कर लिया है यहाँ पर. लेकिन आंसर देने से पहले एक छोटा सा सवाल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेंटल. अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया भी था मैंने इसका मीनिंग. अर्थ की लेज वगैरह से समझाया था, कुछ याद है? चलिए गुड जॉब विद द आंसर्स एवरीवन. जेनरोसिटी का मतलब बहुत ज्यादा बड़ा दिल होना, ठीक है. अच्छा ये देखो, द माउंटेन्स बूस्ट, ओवर बूस्ट करने का मतलब तो सबको पता होगा ना, ग्रोथ देना, किसी चीज को बढ़ाना. इधर रख दीजिए प्लीज, थैंक यू. ओके, horses have the strength of character to dash themselves to their utmost limit. Thank you. They asked the government to dash its period of deliberation. Period of deliberation ka matlab kya hota hai? Government jo hai, या कोई भी इंसान जब पीरियड ऑफ डेलिब्रेशन की बात करता है, तो यानी कि जो सोचने के लिए, गहन चिंतन के लिए जो एक वक्त लिया जाता है, दैट इज योर पीरियड ऑफ डेलिब्रेशन. और पीरियड को आप क्या कर सकते हैं, मेंटल कर सकते हैं, नहीं लास्ट कर सकते हैं, टू लास्ट इट्स पीरियड, खत्म करें इट्स पीरियड. अच्छा, समथिंग लास्ट्स फॉर टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक चलती है कोई चीज जब, तो कहते हैं इट lasts for too long, correct. तो यहां पर last अभी नहीं fit हो सकता है. Her generosity did not extend. See, मैं कहती नहीं हूँ I would like to extend gratitude to all of you, यानी कि आप सभी की तरफ मैं अपना gratitude, अपना शुक्राना भेजना चाहूंगी, है ना, ठीक है. तो यहाँ पर आप लोगों को extend करने से ही सारी चीजों का जवाब मिल जाता है. extend, it fits everywhere. Mountains extend over the western end of the island, यानी कि they are occupying a certain area. Horses have the strength of character to extend themselves, यानी कि to exert and take out or give out a lot of force and pressure. ठीक है, उनके अंदर ये ताकत होती है कि वो मैक्सिमम शक्ति लगा सके. बहुत प्यारे होते हैं. खैर, यहाँ पर आंसर डी, जिसने भी बताया प्लस वन करेंगे, अगला सवाल देखेंगे. चलिए, हाँ भाई, हाँ ठीक है. जल्दी से बताओ, अगला बताओ. वेरी गुड. इससे आसान तो क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं, पर आंसर्स में ए बी सी दिख रहा है. लेट अस सी. चंचल, योर आंसर इज करेक्ट. बेटा, आई वोंट लेट यू गो विदाउट ट्राइंग टू. सम पीपल, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल एंड द इंटेलिजेंट वंस, उन्होंने कहा है एक्सर्प्ट अ प्रॉमिस. व्हाट इज एन एक्सर्प्ट? इट इज अ नाउन. एक्सर्प्ट जो होता है आपके नॉवल का, राइटअप का, मैगजीन का, कहानी का एक हिस्सा होता है, उसे आप एक्सर्प्ट बोलते हैं. सो ये एक्सर्प्ट आपने वर्ब बना दिया, बहुत सुंदर. एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? जनरल पिक्चर, या फिर आप जिसको कहते हैं ना एक निराकार. एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो सुना ही होगा, तो एब्स्ट्रैक्ट जो है यहाँ पर आपको एक तरीके का एडजेक्टिव बनाकर देता है. और आप कहते हैं मैम सी लिखिए, टू एब्स्ट्रैक्ट, टू एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे आप लोग, बिकॉज आप बहुत बुद्धिमान हैं. बहुत सुंदर. टू अपॉइंट, ट्राइंग टू अपॉइंट अ प्रॉमिस, आप प्रॉमिस को अपॉइंट करवा दीजिए, नौकरी दिला दीजिए प्रॉमिस को, ऐसा कर लेते हैं. टू फेवर, यानी किसी का समर्थन करना, तो चलो मान सकते हैं यहाँ पर. लेकिन एक्सट्रैक्ट वर्ड से कोई नाराजगी थी क्या? ध्यान से देखो भाई, आई वॉन्ट लेट यू गो विदाउट ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट अ प्रॉमिस. मैं एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश क्या हो, मतलब का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्ट करने का मतलब होता है ऑब्टेन करना, डिराइव करना, निकालना. जूसेस आर एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ फ्रूट्स, फलों से जूस निकालना वो एक्सट्रैक्ट करना होता है. तो यहां पर जो आपका वर्ड है हर जगह फिट हो रहा है. मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपसे एक वादा तो निकलवा ही लूं. जैसे हम लोग कहते नहीं है अगली बार आप आएंगे तो हमें 2,000 रुपए देके जाएंगे, तो ये वादा करिए पापा, ऐसे करके उनसे कमिटमेंट लेते हैं, करेक्ट. तो उनका वो वादा निकलवा रहे हैं यहां पर. एक्सट्रैक्ट, देर आर फ्यू अटेम्प्ट्स टू एक्सट्रैक्ट जनरल
generalities about the nature of the disciplines. अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, there are few attempts to again obtain generalities, यानी कि इन जनरल क्या व्यवहार होता है, ज्यादातर किसी चीज का नेचर बिहेवियर कैसा होता है, और यहाँ पर डिसिप्लिन के बारे में बात करें, नेचर ऑफ डिसिप्लिन, तो ये फिर से एक्सट्रैक्ट के बारे में बोल रहा है भाई. और फिर देखो स्क्वायर रूट निकालने की बात हो रही है, एक्सट्रैक्ट डिराइव डिड्यूस एटसेट्रा, नॉट डिड्यूस. आई रेड एन एक्सट्रैक्ट, अगेन पोर्शन, आई रेड एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन ओल्ड मैगजीन, सिर्फ ये पढ़ के एक्सेप्ट बोला था, गलत बात. चलो ए के लिए प्लस वन करो सब लोग, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो फोर वर्ड्स आर गिवन इन बोल्ड, दीज फोर वर्ड्स मे और मे नॉट बी इन देयर करेक्ट पोजीशन. वर्ड स्वैप का क्वेश्चन है, विदाउट फर्दर एडो लेट्स मूव ऑन. क्या बोलते हैं पब्लिक, कितना नंबर रहा आज सबका, चार में से कितने सही थे, फिल इन द ब्लैंक्स. समनानी, नरूतो, देवशीष, हाँ बिल्कुल फिट है, वैभव सक्सेना, राधिका, ओके, सब स्ट्रेस में आके करते हो आप लोग. चलो ठीक है, बड़ा वर्ग है जो क्लियरली दो और तीन के बीच फंसा हुआ है, चार में से चार तो किसी के भी नहीं आए, झूठ बोलना चाहिए तो बोल लीजिए, लेकिन ठीक है अगर किसी के आए तो मुबारक हो. अगला सवाल देखते हैं, वर्ड स्वैप का है, देयर इज अ व्यू दैट द अक्रॉस ऑफ द रूपी हैज बीन द अप्रिसिएशन ऑफ अ जनरल रिजल्ट ऑफ द डॉलर डेप्रिसिएशन ऑल करेंसीज. बहुत आसान है, प्लीज इसमें गड़बड़ नहीं करना, ठीक है. हाँ बिल्कुल ठीक, नहीं नहीं मुक्ति वुक्ति अब मैंने देना छोड़ दिया, खुशी की बात है, खुशी की बात है. यू नो, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए. आई लाइक इट, चलो आगे बढ़ो. वेरी गुड, चलो 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 चलो. सुमेधा महाकाल ब्यूटी कह रही हैं ए, पढ़ मत लेना आगे. ईशा बहुत अच्छे, गौरव गुड जॉब. वैष्णवी, पिनाकी, हाँ जी, प्रेरणा, राधिका, वेरी वेल डन. देर इज अ व्यू दैट द अक्रॉस ऑफ द रूपी, अक्रॉस ऑफ द रूपी क्या होता है, अक्रॉस द रूपी होता तो हम फिर भी समझ लेते, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन आर्टिकल. अक्रॉस क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है, ऑफ क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है. गलत है, तो ये ए तो गलत हो गया भाई. देर इज अ व्यू, ऐसा माना जाता है, ऐसा ओपिनियन है, दैट द अक्रॉस ऑफ, तो अक्रॉस तो गलत है भाई. रुपी का क्या हो रहा होगा, नाउन हो रहा होगा, कोई प्रोसेस हो रहा होगा, दैट द डैश ऑफ द, समझो यहां पर, दैट द डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपी हैज बीन द रिजल्ट ऑफ अ जनरल. So, सबसे पहले क्या किया हमने भैया, सबसे पहले ये ऊपर गया ना, तो ए और डी हो रहा है. देखो ए गलत है, ए और डी को स्वॉप करना है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, लेकिन ये भी हमें गलत लग रहा है, यहां पर हमें रिजल्ट चाहिए, ठीक है. रिजल्ट ऑफ अ जनरल अप्रिसिएशन ऑफ द डॉलर अक्रॉस ऑल करेंसीज, सभी करेंसीज में से देखा जाए तो जो डॉलर की बढ़ोतरी हुई है वो एक कारण हो सकता है कि रुपी में गिरावट आई है. वेल, यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाकी जिन लोगों ने तेजी दिखाई थी ए बोला था, गलत. नेक्स्ट देखिए, सिंस द स्टेबल ऑफ कैपिटल फ्लोज इन 1991 इंडिया हैज ऑलवेज फेस्ड अ करेंट अकाउंट डेफिसिट, बट इनफ्लोज ऑफ कैपिटल हैव अलाउड, हैव के बाद अलाउड तो रहेगा ही, तो जहां भी सी दिख रहा है उसको हटा दो. हैव के बाद ऑप्शन का, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, ठीक. सिंस द डैश ऑफ कैपिटल फ्लोज, स्टेबल ऑफ नहीं हो सकता, स्टेबल इज एन एडजेक्टिव, नाउन ऑफ नाउन टाइप ढूंढ लो एक बार,
face the current account deficit bhi theek lag raha, but inflows of capital have allowed the country to have a stable balance of payments. Okay, it's only option number A and D. Very good. No, it's option number C, everyone. Very good job. सीधी सी बात है, क्या कह रहे हैं? Since the liberalization, जब से capital flow को थोड़ा free, थोड़ा liberal, यानी कि बहुत ज़्यादा tighten अपने ही रखा गया है 1991 में, इंडिया ने हमेशा फेस किया है करंट अकाउंट डेफिसिट. बट क्योंकि कैपिटल आती रहती है, तो उससे क्या हुआ है, कैपिटल इनफ्लो, यानी कि आती रहती है कैपिटल द कंट्री so it has allowed the country to have a stable balance of payments. BOP जो है वो stable है, fluctuate नहीं कर रहा है, गिर नहीं रहा है, etc. Brilliant answers, plus one for C. Next question देखते हैं दोस्तों. चलिए guys, एक बार like और share पर ध्यान दीजिएगा please, जल्दी से. चलिए जी, बहुत सारे आंसर्स एक बार फिर से. द इलेक्शन कमीशन हैज अनाउंस्ड सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 1100 मोर वीवीपैट्स एनस्यूइंग द स्टेट फॉर द टू इलेक्शंस. एनस्यूइंग यानी कि होने वाला है, फॉलोइंग जो अब आने वाला है. अच्छा ठीक है. ओके, कमीशन हैज अनाउंस्ड सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 1100 मोर वीवीपैट्स डैश द स्टेट फॉर द dash elections in the first week of December. You guys know the answer. It's option number B and C. Only option number 4. Very good job. क्या कहा गया है? Election Commission ने announce कर दिया है second installment, दूसरी किश्त आने वाली है 1100 VVPATs की. Dash the state for the, तो क्या state को मिलने वाली है? ठीक है, किस चीज के लिए मिल रही है? अपकमिंग फॉलोइंग जो आने वाला है उसके लिए मिल रही है. वेरी गुड जॉब. दिस वाज टू इजी, राइट? यू डोंट नीड नो एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. चलिए ठीक है. इफ यू हैड अ शॉर्ट टर्म गोल देन यू प्रोवाइड हैड लगाए पास्ट परफेक्ट. आगे का सेंटेंस कौन से टेंस में होगा रिकॉल कर लेना एक बार आप लोग. बहुत अच्छे फरजाना, समनानी, ईशा, सुशांत, सरमीना, गुड जॉब. इफ यू हैड अ शॉर्ट टर्म रोल देन यू डैश अ फिक्स्ड इनकम डैश नॉट अ मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट टू डैश रिटर्न प्रेडिक्टेबिलिटी. कितना रिटर्न आएगा इस बात की प्रेडिक्टेबिलिटी आप तभी डैश कर पाएंगे जब आपके पास एक स्टेबल प्रोडक्ट होगा, यानी कि उसकी जरूरत लोगों को ताउम्र पड़ेगी. सिर्फ मार्केट रिलेटेड नहीं होना चाहिए, मार्केट लिंक्ड नहीं होना चाहिए. तो पहली चीज तो भैया नंबर टू अपनी जगह सही है ना, जहां भी टू दिख रहा है एलिमिनेट कर दीजिए. अरे बाप रे, यू नीड एंड टू प्रोवाइड, यू नीड टू प्रोवाइड. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी. इजी था ना, दिस वाज इजी. इजी लगा कि नहीं लगा वो बताओ. फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट, हाँ, वो ऐसा प्रोडक्ट विच कैन कीप जनरेटिंग इनकम फॉर यू. नेक्स्ट, ही कंटिन्यूड टू अवे अ सीन इवन एज आई मूव्ड क्रिएट. मूव्ड क्रिएट.
मुस्कान मैं बिल्कुल लेती हूँ बेटा, जस्ट योर नेम, ठीक है, अभी अभी लिया मैंने आपका नाम. वेरी गुड राजवीर, महेश, रुचिका, जय शर्मा, निकिता, ओके. ही कंटिन्यूड टू क्रिएट अ सीन इवन एज आई मूव्ड अवे एंड गॉट इन टू माई ऑटो दैट हैड थैंकफुली अराइव्ड बाय देन. ये क्या कह रही है भाई, वो नाटक करता ही रहा, ड्रामा करना, बहुत ज्यादा सीन क्रिएट करने का मतलब कहीं पर पब्लिकली, हाँ बिल्कुल, तो तमाशा खड़ा करना जिसको हम बोलते हैं, राइट. सो वेल, यहाँ पर ही कंटिन्यूड टू क्रिएट यानी कि मेक अ सीन इवन एज आई मूव्ड के बाद अवे, इसके बावजूद भी, जबकि मैं दूर भी चली गई, एंड गॉट इन टू माई ऑटो यानी कि इन्होंने बुक किया होगा तो आ गया था, दैट हैड थैंकफुली अराइव्ड. तो क्या हो रहा है, 1, 2, 3, 4, वेरी गुड, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जहां पर एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए वहां पर, हाँ, फाइंड द एरर इन वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैगमेंट्स. दिए हुए फ्रैगमेंट्स में से किसमें प्रॉब्लम है, किसमें हिस्सा है. लवली, ट्रूथ टू द पोएट दैट ही इज अनवर फाइंड्स जॉय इन सर्चिंग फॉर वर्ड्स, लाइन्स एंड स्टोरीज दैट आर ऑलरेडी आउट देयर इन द वर्ल्ड. दिस इज वेरी इजी. नो, गलत. जस्टिन, थैंक यू फॉर एग्जिस्टिंग. एक जना, वैष्णवी, फाइनली, मनीष कुमार, राइट, दैट इज द करेक्ट आंसर. ऋतुपर्णा, AU गेम्स, खुशी, दिव्या, ट्रूथ टू द पोएट नहीं, ट्रू टू द पोएट दैट ही इज, यानी कि जो, मतलब कहते नहीं एकदम पक्का पोएट है, जैसे अभी अगर हम किसी को करेक्ट करने लगते हैं तो कहते हैं पक्की टीचर है ये, तो होता नहीं है कि एकदम एग्जैक्टली अ टीचर, ओनली बिहेविंग लाइक अ टीचर. सो दैट इज व्हाट, ट्रू टू द पोएट दैट ही इज, एग्जैक्टली पक्का पोएट है वो. इसलिए अनवर को जो है मजा आता था ढूंढने में शब्दों और लाइन्स को और कहानियों को जो कि ऑलरेडी इस दुनिया में हैं, तो वो ढूंढा करते थे कि कहाँ कहाँ मिलेगा हमें इस तरीके का वर्ड. द प्रॉब्लम इज इन पार्ट नंबर 1. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका नाम आशुतोष सिंह है, ले लिया मैंने नाम. बहुत अच्छे मनोजित, रिपी, यथार्थ, अंशुक. गाइस देखो, झूठ नहीं बोलेंगे, पर सच में आई मिस माउंटेन्स. ऋषभ मिश्रा, यार कल कोई कह रहा था कि आप भाई हो हमारे, सरनेम सेम है ना. हाँ बिल्कुल, देखिए, वेरी गुड बाबूजी. Find the error in one of the following fragments. At the Delhi Auto Expo 2018, the company unveiled its SP concept, a SUV designed and developed for the Indian market. Wow, 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 wow. No error bata diya hai. Finally, aap log no error answers bhi dhoondne lag gaye. Lekin isi ke saath aapko batana chahungi ki jawab bilkul galat hai. A SUV kaise likh rahe ho aap log? Jo SUV hai, wo shuru kis se ho rahi hai? What's the sound that's coming out? A. S. ए से शुरू हो रहा है, तो वोवल साउंड को मद्देनजर रखते हुए अ को हटाकर एन लगाइए, सी को बताइए एरर. जिन्होंने ऑप्शन सी कहा था सर, वो प्लस वन करेंगे, बाकी सब लोग ऐसे सर पटक लो. अगला क्वेश्चन देख लो. चलो, द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इम्पोज द फाइन ऑफ ₹136 crore ऑन सर्च इंजन मेजर गूगल ऑफ अनवेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस इन द इंडियन मार्केट फॉर ऑनलाइन सर्च. निखिल, ठीक है, हाँ जी, अव्यांश, महाकाल, पवन चौधरी, मुस्कान, पूनम, पूजा, जयश्री, बिंदास गर्ल इज ऑल्सो हियर, आकांक्षा, राधिका, चलिए चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई. रैगनार लेट आए हैं ना क्लास में, मिस्टर पैशनेट भी लेट आए हैं, यू सॉरी आई मिस्ड योर नेम, शीलू, ओके, नो एरर बोल रहे हो, मार खाना चाहते हो आप लोग. जिन लोगों ने सही पहचाना है, वेरी वेरी गुड जॉब गाइज. दे इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ दिस मच रुपी ऑन सर्च इंजन मेजर. तो जब कोई बड़ा खिलाड़ी होता है किसी भी इंडस्ट्री को का, तो उसको क्या बोलते हैं, उस इंडस्ट्री का नाम लगा करके मेजर, यानी कि वो
उस इंडस्ट्री का बड़ा प्लेयर है. गूगल ऑफ अनफेयर बिजनेस नहीं, फॉर अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, गलत तरीके से बिजनेस करने के लिए उनके ऊपर 136 करोड़ का जुर्माना लगाया था. सरकार भी कम में नहीं हिलती, सीधे 136 करोड़ अपने यहाँ पेपर पे पेपर लीक होते जाए गूगल से मांगना. नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सरकार इज द बेस्ट, मूविंग ऑन, मुझे जेल नहीं जाना. आगे देखो. वेरी गुड सुमंत, परसिस्टेंट ऑफ नहीं बेटा. फॉर The increased target for agricultural credit will empower farmers with much needed funds to procure agricultural inputs in a timely manner. What is the error? पढ़ने से ही समझ गए होंगे आप लोग. Take my name. Shivi took your name. मैम मेरा नाम ले लो. क्यों सिलेक्शन हो जाएगा हेमंत उससे? हाँ लाइक मत करना आप लोग, लाइक और शेयर मत कर देना. चलिए 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 जल्दी से बताइए. तो ए में एरर है, डी में एरर है. बेचारों ने एक बार मुश्किल से नो एरर बोला, सबका गलत हो गया. अब जहां पर नो एरर है वहां पे वो एरर ढूंढ देंगे क्योंकि डर लग गया ना. वो कहते नहीं है दूध का जला छाछ फूंक के पीता है. यहाँ बेटा किसकी बात हो रही है? द इंक्रीज्ड टारगेट, जो बढ़ाया हुआ टारगेट है एग्रीकल्चरल क्रेडिट का, उससे क्या होगा? वो एम्पावर करेगा, शक्ति देगा, स्ट्रेंथन करेगा फार्मर्स को. किस चीज़ के साथ एम्पावर करना? किसी तरीके की शक्ति देना. तो किस तरीके का समर्थन या शक्ति यहाँ मिल रही है? विद मच नीडेड फंड्स. तो भैया क्रेडिट का जब लिमिट बढ़ा दिया है या लेट अस से टारगेट बढ़ा दिया है तो उनको फंड्स मिलेंगे ना उससे, ताकि वो जुगाड़ कर सके, प्रोक्योर कर सके, ले आ सके एग्रीकल्चरल इनपुट्स इन अ टाइमली मैनर, ताकि वो एग्रीकल्चर के लिए जो भी उनको मदद चाहिए, इनपुट चाहिए, वो ले आ सके इन अ टाइमली मैनर. भाई लास्ट क्वेश्चन का आंसर था वो, बट अ एसयूवी नहीं समझा. राधिका स्पैम मत किया करिए, आपको मैंने 1000 बार से ज्यादा बताया है. आपको नहीं पता है कि अ एमएलए क्यों गलत है? अ एमएलए क्यों गलत है? क्योंकि शब्दों का साउंड देखते हैं, साउंड देखा जाता है. एन एमएलए बोलते हैं बिकॉज एम किससे शुरू हो रहा है? इस साउंड से. इसका मतलब हो जाता है ये. तो इसलिए यहां पर एन एसयूवी, एन एमएलए लगाते हैं. अगला सवाल देखिए और बताइए एरर. द भारतीय जनता पार्टी डज नॉट डिपेंड अपॉन द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ एनी अलायंस पार्टनर फॉर इट्स सर्वाइवल इन गवर्नमेंट एट द सेंटर. अच्छा पीयूष. Somebody's name is E-I-N-E. Okay. मैम मैं भी हूं पर पता है मैं कमेंट पढ़ लिया, नाम नहीं दिखा. What to do? कुमुद, जयश्री, स्मिता, विवेक, जल्दी से बताओ गाइज, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस रिमेनिंग. द भारतीय जनता पार्टी, दिस इज ओ गॉड, ऑप्शन डी बोला है. मैं सच में बता रही हूं, अब ऐसे आंसर्स दे रहे हैं आप लोग जैसे कभी ग्रामर का नाम नहीं सुना है. डज के साथ वर्ब में एस कब से लगने लग गया? डज के साथ वर्ब में एस ई एस लगाना अलाउड है, डज लगते ही ये खत्म हो जाता है. डज नॉट डिपेंड्स कोई इंग्लिश नहीं होती है. डज नॉट डिपेंड्स कोई इंग्लिश नहीं होती है. और आप कह रहे हैं डी में प्रॉब्लम है, आपने इट्स देखा होगा, रट्टा बढ़िया मारा है. इट्स देखते ही अपोस्ट्रॉफी कर दो, अपोस्ट्रॉफी लगाए तो सिंपल इट्स कर दो. इट्स सर्वाइवल, ये पजेसिव होता है ना. किसके सर्वाइवल की बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी पर निर्भर नहीं है. अपॉन द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ एनी अलायंस पार्टनर फॉर इट्स, यानी अपने सर्वाइवल के लिए उनको किसी की मदद की जरूरत नहीं है. शशि रंजन जी, मुबारक को, आपका नाम ले लिया. पीस ऑन द बॉर्डर इज डिफिकल्ट to achieve at the tactical level by military leaders. What is the error in the sentence? जी जी जी, I definitely remember you are from Ranchi. Glad to see you. पढ़ लीजिए. हेमा मीना, ले लिया आपका नाम. भाई रहने दो, परेशान मत हो. भैया 1800 प्लस बैठे हो, 1000 लाइक्स हैं, ये गलत बात है.
इंग्लिश खराब है तो क्लास में रेगुलर हो जाइए, और क्या बोलें। अच्छा, पीस ऑन द बॉर्डर, बॉर्डर कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, बॉर्डर आपका आराम से किसी भी दिशा में ऐसे 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 से घूम सकता है। बेसिकली व्हाट हैव यू, बतख जैसा कुछ बन गया यहाँ पे। एनीवे, तो ये जो आपका बॉर्डर होता है वो कुछ भी ऐसा दिख सकता है, राइट? तो ये एट बोलोगे तो इट टॉक्स अबाउट अ स्पेसिफिक लोकेशन, राइट? ऑन द बॉर्डर, ये ऑन द बॉर्डर पूरा, ये जितना बॉर्डर है, बॉर्डर पर शांति हासिल करना डिफिकल्ट है एट द टैक्टिकल यानी कि स्ट्रेटेजिकल लेवल बाय मिलिट्री लीडर्स। समझ रहे हैं, जब किसी चीज को टैकल करने का, वहां जब स्ट्रेटजी बनानी होती है तो उस तरह से सोचा जाए तो वहां पे वो डिफिकल्ट है, यानी उसका कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाया जा पा रहा है। वेल, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ले जाइए आप लोग एक माइनस वन। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के लिए पहला सवाल है क्लोज टेस्ट का, लेकिन इसको आप सॉल्व करके रखेंगे अपने होमवर्क में, ठीक है? होमवर्क का आंसर आपने देना है अपने कमेंट सेक्शन में। कल रहेगा सैटरडे, कल होगा आप लोगों का एक टेस्ट प्रॉपर। आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ डोंट सिट डाउन एंड वेस्ट योर टाइम। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी क्वेश्चन, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट, इट्स टाइम टू पुट इन योर एफर्ट्स इनटू इट। आसान आसान दूर के करने से कुछ नहीं होता है, पढ़ लो। आगे पीओ भी देना है, क्लर्क भी देना है, तो जिसमें नंबर आए वो वाली मेहनत कर लो, ठीक है? प्लीज़ गो अहेड एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एवरीबडी। ऑल्सो गाइज, अब डबल वैलिडिटी चल ही रही है, तो आप लोगों को दोबारा याद दिला दें, यहाँ पर बैंक महापैक आप लोग जो है परचेज कर सकते हैं डबल वैलिडिटी में। डबल वैलिडिटी में आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, बैंक महापैक को परचेज कर सकते हैं, ठीक है? ये रहा आपका बैंक महापैक। बैंक महापैक लेंगे तो आपको पूरा, मतलब अगर आप 12 महीने के लिए लेते हो तो फ्री आपको मिलेगा प्लस 12 मंथ्स, ठीक है? 12 का आप पेमेंट करोगे 12 फ्री मिलेगा, 6 का पेमेंट करोगे 6 फ्री मिलेगा। कोड क्या लगाना है इसके लिए, Y169। इसके साथ साथ आपको 78% डिस्काउंट भी मिलता है। बस आज ही तक है डबल वैलिडिटी, तो उसका फ़ायदा उठा लीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक दफ़ा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा आपके सभी दोस्तों के लिए। पढ़ाई लिखाई करते रहिए। थैंक यू, टाटा बाबा।